आपने सुना होगा ट्रॉमिक अटैक आ गया, ट्रॉमा में हूं मैं, ये शब्द सुने होंगे। तो इसको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रॉमा क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूँ हमारे चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रॉमा क्या होता है। आपने सुना होगा ट्रॉमिक अटैक आ गया, ट्रॉमा में हूं मैं, ये शब्द सुने होंगे। तो इसको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा के साथ दो तीन चीजें जुड़ी होती हैं, फोबिया, फियर, तो उनकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। बट हाई फोबिया, हमें हर चीज से अगर डर लगता है, एक्सट्रीमली डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, फ्लाइट से डर लगता है, और वो कभी कभी उसके नाम से डरने लग जाता है, तो ट्रॉमा हो जाता है। तो ट्रॉमा एक्चुअल में क्या होता है? एक तो मैंने बताया फोबिया से कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअल में क्या होता है, तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, दैट इज माय रिक्वेस्ट। और इस वीडियो को एज एजुकेशनल पर्पज से ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि हमारे सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस हैं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो जाए साइकोलॉजी होती क्या है और कैसे काम करती है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। तो ट्रॉमा एक लूप्स होती है, सर्कल समझ लीजिए, आप इसको ऐसा समझिए सर्कल है। और सर्कल के अंदर क्या इशू है? सर्कल में इशू ये है कि कोई एक छोटी सी लूप या जो आपने देख लिया, मान लो एक एक्सीडेंट आपने देख लिया, वो एक्सीडेंट कब देखा? जब आप 15 साल के थे। अब वो 15 साल से वो एक्सीडेंट आपने देखा और आज आप 25 साल के हो गए, बट उस एक्सीडेंट के जो जो सिनेरियो वहां हुआ था उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, आप बार बार इरिटेट हो रहे हैं कि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजन था। और वो जो मोमेंट आपने देखा था, किसी की अगर डेथ हुई है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसको आप बार बार याद करके एक पैनिक मोड में जा रहे हैं, उसी को ट्रॉमा कहते हैं। क्योंकि पास्ट में हो चुका एक्सपीरियंस तो आपको, बट स्टिल आप मूविंग। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अगर ऐसे एग्जांपल आप फील कर रहे हैं तो समझिए आप ट्रॉमिक स्टेज में हैं। तो पहला है एग्जांपल, इसको ऐसे समझिए, और कभी कभी हम क्या वो लीव द प्लेस और अवॉइड द प्लेस भी करने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट पॉजिटिव चेंज। कभी कभी जब हम ट्रॉमिक होते हैं ना, तो हम जो भी पॉजिटिव चेंज हैं हमारे अंदर हो सकते हैं वो करना ही नहीं चाहते। मैं ठीक हूं, ये बहुत ही नॉर्मल और कंसेप्चुअल वर्ड है, ठीक है। कोई भी नया दोस्त बनेगा उसको बड़े संदेह से देखेंगे, किसी भी आदमी से मिलेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेरे से ऐसी कोई बात कर रहा है, दीस काइंड ऑफ। कोई सेलिब्रेट सक्सेस अगर हो गई तो कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और अगर आपका कुछ भी पुराना इशू चल रहा है आप उसी में चल रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को बाइंग का प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ चीज बेचने का होता है, चोरी करने का होता है, दैट इज अगेन डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर में से आप बाहर भी नहीं आना चाहते हैं। और इसके अंदर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यू नीड टू प्लान एवरीथिंग। आप चीजों को प्लान बहुत करते हैं, ये ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, फिर वो प्लान ए अगर आपका फेल हो गया तो बी सी डी बनाते चले जाते हैं एक ही काम को करने के लिए। और जब आप बहुत सारे प्लान बनाते हैं तो अगेन वो इतना कंजेशन हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा प्लान सही है और कौन सा प्लान गलत है, और उसी की वजह से आप अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं ठीक हूं, आई एम द बेस्ट। तो ये सबसे बड़ा ट्रॉमिक इशू है अगर हम ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है, हमको फेल हो जाएंगे, ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे, वेरी बैड, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की। और या हमें ऐसी फीलिंग आने लगती, अरे ये काम तो मैं कर दूंगा, दो मिनट में कर दूंगा, विदाउट इवन एफर्ट कर दूंगा, तो हम उसके लिए भी काम करना छोड़ देते हैं। और हम जब भी कोई काम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव रिमार्क से करते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो पेपर देने जा रहा है, इस पेपर में मैं पास नहीं होऊंगा, कोई रिलेशनशिप में हम जा रहे हैं ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा,
अगर जॉब में आपको कोई काम मिला, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और रिजल्ट उसका वैसा वैसा भी हो सकता है, आपको वो काम अच्छे से कर भी पाए बट वो बिहेवियर आपका वैसा फील होने लगता है, दिस इज अ ट्रॉमिक बिहेवियर। आगे चलते हैं, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। जो ट्रॉमिक बिहेवियर के लोग हैं वो बार बार वहीं पहुंच जाते हैं उस पास्ट में, और पास्ट को क्या बोलते हैं, भूत। तो वो सर्कल में ना भूत के पास पहुंच जाते हैं और उसको कंधे पे बिठा लेते हैं। तो जब भी वो किसी चीज की कंसंट्रेशन करने जाता है वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है पास्ट के साथ, और जैसे ही ट्रिगर होता है पास्ट के साथ तो सब कुछ छोड़ देता है, वो पास्ट मेमोरीज के अंदर बार बार घूमने लगता है। मैंने बताया था ना इस वीडियो के शुरू में, लूप बन जाता है, उसी में हम घूमते रहते हैं। तो उस सर्कल में घूमने लग जाता है, उस ऑर्बिट में घूमने लग जाता है। तो ऑर्बिट ब्रेक करने का जो काम है उसको बोलते हैं ट्रॉमिक थेरेपी। जो स्टूडेंट सीखते हैं उसको यही बोलते हैं कि ट्रॉमिक थेरेपी क्या होती है। आगे चलते हैं, लो सेल्फ एस्टीम। वो पर्सन की जो एस्टीम लेवल है, जो उसकी रिस्पेक्ट लेवल है, वो बहुत ही लो हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि कब उसको इंसल्ट फील हो रही है या नहीं हो रही है, या उसको कौन सी चीज बुरी लग रही है या कौन सी चीज से उसको खुशी मिल रही है। वो नॉन रिएक्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर हो जाता है, और जब हम उसे पूछते हैं भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया, ऑल वेल, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। और उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब हम पता नहीं क्या प्रॉब्लम बोलने लगे तो समझ लीजिए कि हम ब्लैंक मोड में जा रहे हैं, और ब्लैंक पिक्चर तो कोई भी नहीं देखता। अगर आपके पास रील है कोई ब्लैंक है तो आप सिर्फ वो देख क्या देखोगे उसमें। तो आप अगर ब्लैंक मोड में जा रहे हो डेफिनेटली वो एक ट्रॉमिक अटैक हो रहा है, और धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो आपका ब्लैंक मोड बढ़ने लगता है, तब आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो मेरे ख्याल ये क्लियर है आपको, पता लग गया होगा ट्रॉमा क्या होता है और कैसे हमें ये फीलिंग होती है। अगर हमें ऐसी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली ये ट्रॉमिक अटैक है, हमारे पे ट्रॉमा का असर होना शुरू हो गया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, पब्लिक को पता लगे कि ट्रॉमा क्या होता है। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।